दोस्तों कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड में जहां अर्जुन और प्रीता और साथ में ऋषभ तीनों के बीच में बहुत बड़ी बात होने जा रही है, जिसमें से अर्जुन बोलता हुआ नजर आने वाला है कि ऋषभ तुम्हें मैं सच्चाई बता रहा हूं और उस सच्चाई पर तुम भरोसा करो या मत करो वो तुम्हारी मर्जी रही, क्योंकि प्रीता तो भरोसा करने वाली है नहीं, लेकिन तुमसे तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम वाकई में दिमागदार हो, इंटेलिजेंट हो, तो तुम मेरी बात पर विश्वास कर ही लोगे जो मैं बता रहा हूँ। जिसके बाद में अर्जुन बोलता हुआ नजर आने वाला है कि तुम्हारी बहन की जान मैंने बचाई थी, तुम्हारे बच्चे की जान मैंने बचाई है और तुम्हारे परिवार के साथ में मैंने आज तक कोई भी बुरा नहीं किया है। और रही तुम्हारी बात की तुम्हें मरवाना चाहता हूँ, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो ये बताओ कि जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तो उस समय तुम्हें हॉस्पिटल तक अगर मैं नहीं ले जाता तो तुम मर जाते हो, तो ये बताओ अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो उसी समय अपने आप ही मर सकते थे तुम, लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया नहीं बल्कि तुम्हें उल्टा हॉस्पिटल लेके गया और हॉस्पिटल ले जाने के बाद में मैंने तुम्हें अपना खून तक दिया है। जिसके बाद में वाकई में ऋषभ को भरोसा हो चुका है कि हाँ ये रियलिटी है दोस्तों कि अर्जुन ने ऋषभ के लिए कितना कुछ किया है और परिवार के वाकई में हर किसी की बात मानी है, परिवार में भी इतनी रेस्पेक्ट दी है जितनी ऋषभ के परिवार को ऋषभ देता है इतना ही अर्जुन ने रेस्पेक्ट दी है। लेकिन दोस्तों कहानी में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नया टोस्ट अभी आना बाकी है। जी हाँ, सभी लोगों को जल्द ही पता लगने जा रही है कि ये अर्जुन कोई और नहीं है बल्कि ये अर्जुन तो करण ही हैं दोस्तों। जी हाँ, सभी को पता चल जाएगा और जिसके बाद में सभी घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हुए नजर आएंगे धीरे धीरे ही सही, लेकिन अर्जुन की सच्चाई इस घर में आने जा रही है। जल्दी ही अर्जुन को पता चलेगा कि काव्या किसी और की बेटी नहीं है बल्कि काव्या मेरी बेटी है। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि काव्या के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता और काव्या के बारे में सब कुछ जानना चाहता है अर्जुन, और अर्जुन को ये जानने की वाकई में बहुत ज़्यादा उत्सुकता है। साथ ही दोस्तों हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा हूँ फिर से चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए आपको मेरी वीडियो कैसे लग रही है। गाइज थैंक यू सो मच।